नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे सामने एक देखिए एटोर्नो फ्यूल सेवर है ये मेरे दोस्त, और हमको किसी कंपनी ने, जिस कंपनी का ये है उस कंपनी से यानी ये आया है कुरियर के द्वारा, और हमें बोला गया है कि इसके लिए आप वीडियो बनाइएगा, और उन्होंने एक वीडियो भी बताया था लेकिन उसमें बहुत सारी बातें थी। हमने उनको कहा कि भाई देखिए, ऐसा हम कोई भी इस तरीके से बातें नहीं बता पाएंगे, कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इसको पहले ट्राई करेंगे, हमको परिणाम चाहिए सही, अगर परिणाम सही होगा तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो मेरे दोस्त, इसके लिए हमने जब आपके हमारे हित के लिए होता है, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा होता है, तो हमने जब देखा कि ये एटोर्नो फ्यूल सेवर पहले अब हम ट्राई करते हैं, अभी तक हमने ट्राई नहीं किया, और इसके लिए ये एक बाइक है प्लैटिना, और प्लैटिना बाइक में हम पहले इसका पेट्रोल ऑफ करके पाइप हटा देंगे, और पाइप हटा दिया है, और जब हम इसको, इसका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तब आपका यानी ये पेट्रोल यहाँ पर जो ये है 100 ml नाप करके, उसी समय पर नाप करके दिखा करके तब आपको हम चेक कराएंगे। पहले 100 ml में जब ख़त्म होगा तब ऐसे चेक कराएंगे, फिर उसके बाद 1 लीटर में एक बूंद डाला जाता है, फिर उसको हम 1 लीटर में एक बूंद डाल करके फिर वो पेट्रोल निकाल करके तब चेक कराएंगे, कि जिससे कि आपको एग्जैक्ट क्लियर हो सके कि यानी माइलेज आया कि नहीं आया। क्योंकि मेरे मित्र, क्या होता है कि जैसे हमने लंबे समय तक आपसे जुड़े रहे और हमारा आपका विश्वास बना रहा, रिश्ता बना रहा, जब हम सही हैं तब, अगर हम गलत आपकी नज़र में गलत हो जाएंगे, चीटिंग करेंगे आपके साथ, बेईमानी करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं उदास होंगे और आप हमसे फिर आपका रिश्ता हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं जैसे हमेशा आपका रिश्ता हमारा बना है वैसे सदैव बना रहे, लेकिन हम उसके अनुसार जब हम सही काम करेंगे तब। मेरे दोस्त, इस बीच क्या है कि मेरी दुकान में थोड़ा ब्रांडिंग भी हुआ है कैस्ट्रॉल की तरफ से, और बहुत सारा यानी चेंजिंग हो गया है, बहुत सारी चीज़ में यानी डिफरेंस हो गया, इसलिए हम बहुत सारी वीडियो भी नहीं बना पाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा अब वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जो भी जानकारी होती है उसके लिए हम वीडियो बनाएं, तो पहले हम आपको चेक करके तब आपको दिखाते हैं। मेरे दोस्त देखिए, यहाँ पर क्या है कि इस जगह पर यानी 100 ml पेट्रोल है, और इस जगह पर हम यानी अपनी दुकान से 1 किलोमीटर के आसपास आ गए होंगे, और यहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब ये पाइप हम यहाँ पर लगा देते हैं, उसकी रीडिंग आपको दिखा देते हैं, यानी 15.6 आ रहा मेरे दोस्त, यानी 15.6 आ रहा है इसकी रीडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लें, यानी जो इसकी रीडिंग है 15.6 है, ठीक है, तो 6 पॉइंट, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा हमको कि कितने पर यानी ख़त्म हो। अब यहाँ पर हम ये पाइप को लगा करके तब फिर यानी हम दिखाते हैं। मेरे दोस्त, बाइक को हम चला रहे हैं, और उस समय हम हर्षनगर में थे, और इस समय हम चिड़ियाघर के पास आ गए हैं, और मेरी बाइक आ गई है यानी 20 किलोमीटर 8 पॉइंट के लगभग, लेकिन अभी बाइक चलेगी और हम थोड़ा सा चलते हुए दिखा दिए आपको, और अपने एक हाथ से गाड़ी पकड़े हैं, एक हाथ से चला रहे हैं, और बाकी और आगे दिखाते हैं। मेरे दोस्त, इस समय हम गंगा बैराज के पास आ गए हैं, और इस समय 22400 है, यानी ये बाइक ने 68 का माइलेज दिया है, और इस समय हम आपको थोड़ा सा दिखा पाएँ तो देखिए, यानी गंगा बैराज साइड में है यहाँ पर हम, और देख लीजिए आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा हैं। और हम यानी अब हम क्या करेंगे, इसमें डब्बे में बिल्कुल ख़त्म हो गए, कहीं से कुछ भी पेट्रोल नहीं बचा। अब इसमें 100 ml निकाल करके पहले हम फ्यूल सेवर जो इसमें है, टर्नो फ्यूल सेवर, इसमें डालेंगे टंकी में, फिर आप उसके बाद फिर आपको चेक कराते हैं। मेरे दोस्त, इसमें देखिए बताया गया था कंपनी ने हमको यानी एक बूंद डालने के लिए 1 लीटर में, लेकिन 2 लीटर के आसपास हमने 2 बूंद डाला है, क्योंकि ये 2 लीटर से पेट्रोल थोड़ा कम है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा बंद करके छलका लेते हैं, यानी उसको मिला देते हैं, ठीक, फिर उसके बाद 100 ml पेट्रोल। मेरे दोस्त देख लीजिए, ये पेट्रोल हमने 100 ml फिर से नाप लिया, ठीक, उस समय पर जो चेक किया बिना यानी एटोर्नो फ्यूल सेवर डाल करके 68 का माइलेज आया, अभी हम 100 ml फिर से डाल करके मिला करके तब आपको हम चेक करके दिखाते हैं, ठीक है, कितना माइलेज आता। अभी 68 है, तो अभी ये 4 पॉइंट है, यानी 22400, ठीक। अब इसके बाद इसको लगा करके तब चेक कराते हैं, ठीक है, 22400 है मेरे दोस्त, इस पर हम आपको चेक करा के तब दिखाते हैं कितना माइलेज देता। मेरे दोस्त, हमने गंगा बैराज से थोड़ा सा आगे आ गए हैं, और यहाँ पर यानी बाइक है चल गई है यानी 25 किलोमीटर, अभी बाइक चलेगी और पेट्रोल भी इसमें अभी बचा हुआ है, और रोडें यानी खूब चलती हैं, थोड़ा सा नाटा, अब यहाँ से मोड़ करके फिर अपने सिटी की तरफ चलते हैं, तब दिखाएंगे आपको कितना चली है, बताएंगे। मेरे दोस्त देखिए, इस समय हम आपको दिखा पा रहे हैं, तो देखिए 30
और 3 पॉइंट, ठीक है। और मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आप समझिए कि हमने जो भी काम करते हैं बिल्कुल रियल और ओरिजिनलिटी पर काम करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ यानी बताएं कुछ और दिखाएं कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। और जब हम इसको लगा कर चला रहे थे तो हमने सोचा कि ये माइलेज नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो भी है पूरा प्रोसीजर हमको नहीं मालूम इसके अंदर क्या लिक्विड है क्या है, और हमने इसके लिए जो भी था हमने आपको बताना चाहा, ठीक है। और मेरे मित्र देखिए, अब इसमें बिल्कुल पेट्रोल कहीं से भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है। और इसके अनुसार आप समझिए कि 79 का माइलेज दिया, ठीक है, 22.4 था और इस समय 30 पॉइंट, यानी 30.3 पॉइंट है, ठीक है, 1 कम 79 यानी 1 कम 80, ठीक है। अगर 4 आ जाता तो यह 8 किलोमीटर चल जाती, 80 का माइलेज देखिए। और मेरे दोस्त यानी जो भी था इसमें हमने आपको जानकारी बताना चाहा, तो ये कुल मिला के हमारी तरफ से पास हो गया है। और हम ये अब ये हम आपको एक और जानकारी देंगे, अभी हम दुकान पे चलेंगे यहाँ से और 4-5 किलोमीटर हो गए क्योंकि कंपनी बाग के पास से हम हैं यहाँ पर, और कंपनी बाग से हम दुकान पे चलेंगे तो एक और सिस्टम था लेकिन वो हमको नहीं समझ में आया, हमने इसलिए उसका वीडियो नहीं बनाया। मेरे दोस्त देखिए, एक ये हमको कार्बाडेक्स के नाम से ये दिया गया था और हमने इसको स्प्लेंडर में लगाया, पैशन प्रो में लगाया, कई बाइक में लगाया, लेकिन हमको जब तक नहीं समझ में आया तब तक हमने आपके लिए वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। और इसकी कीमत 5000 के लगभग में है और ये मार्केट में यानी 5000 के लगभग में बताया, 5000 से 4000 रुपये तक कहते हैं कि हम दे देंगे, ठीक है। लेकिन जब तक हमको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो, जब तक यानी माइलेज सही ना आवे, तब तक हम आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते। तो मेरे मित्र, ये आप समझ लीजिए कि हमको ये नहीं समझ में नहीं बनाया, लेकिन जब भी आपको अगर माइलेज किसी भी बाइक का यानी बनाना है, आपको यानी चेक करना है यानी माइलेज बढ़ाना है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल लगते हैं तो उसमें यानी माइलेज आता है, ठीक। और उसकी स्पीड भी 100 cc है तो 45 से 50 की स्पीड रखें, और अगर 100 cc से ऊपर है तो जिस तरीके से ऊपर है, जैसे डिस्कवर 125 cc है तो 60 तक 65 तक 70 तक रहेगा, और पल्सर है तो 80 तक 90 तक, लेकिन जितना ज़्यादा तेज़ चलाते हैं उतना ज़्यादा माइलेज कम होता है। अगर 45-50 की स्पीड में रहता है तब माइलेज बेहतर रहता है। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जो भी जानकारी थी हमने अच्छे से आपको बताना चाहा, और ये लिक्विड कुल मिला के हमारी तरफ से बेहतर है, हमने इसको चेक किया है और जो हमारी नज़र में बेहतर है तो आप ले सकते हैं। तो जो भी वीडियो जानकारी थी, वीडियो बनाना यानी जो भी जानकारी थी हमने आपको बताना चाहा। वीडियो हमारा पसंद आया उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।